नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग अंधेरे में कविता भाग 6 तक पढ़ चुके हैं, आज हम 7वें भाग में 21वें तक हो गया था, 22वें पद के ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। कहता है पार करो पर्वत संधि के गह्वर, रस्सी के पुल पर चलकर दूर उस शिखर कगार पर स्वयं ही पहुंचो। अरे भाई, मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा, मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से। बजने दो साकल, उठने दो अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले, वह जन वैसे ही आप चला जाएगा आया था जैसे। खड्ढे के अंधेरे में मैं पड़ा रहूंगा, पीड़ाएं समेटे क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे बताओ। इस तम शून्य में तैरती है जगत, समीक्षा की हुई उसकी सह नहीं सकता विवेक विक्षोभ महान उसका। तम अंतराल में सह नहीं सकता, अंधियारे में मुझसे द्युति आकृति सा भविष्य का नक्शा दिया हुआ उसका। सह नहीं सकता, नहीं नहीं, उसको मैं छोड़ नहीं सकूंगा, सहना पड़े मुझे चाहे जो भले ही। संदर्भ बताया गया है, प्रस्तुत पंक्तियों में पूंजीवादी और साम्यवादी विचारों में सामंजस्य स्थापित करने के प्रयत्न स्वरूप कवि के मानसिक द्वंद्व का चित्रण किया गया है। व्याख्या में कवि कहता है कि वह रहस्यमय व्यक्ति कवि को रस्सी के पुल पर चलकर दो पर्वतों को मिलाने वाली संधि के खड्डों को पार करके सुदूर पर्वत के उच्च शिखर पर स्वयं पहुंचने के लिए प्रेरित करता है, किंतु कवि हताश स्वर में कह उठता है कि उसे ऊंचे शिखरों की यात्रा नहीं कर चाहिए, क्योंकि उसे अब ऊंचाइयों से डर लगने लगा है। अतएव वह कहता है कि उस रहस्यमय व्यक्ति को निरंतर साकल बजाने दो, यदि अंधकार में ध्वनियों के बुलबुले उठ रहे हैं तो उठने दो। किंतु वह उस पुरुष से नहीं मिलना चाहता, वह रहस्यमय व्यक्ति जिस प्रकार आया था उसी प्रकार चला जाएगा। वह अपनी पीड़ाओं को अपने अंतर में दबाए हुए उसी खड्डे के गहन अंधकार में पड़ा रहना चाहता है। कभी यह नहीं समझ पाता है कि उसे ऐसी विषम परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस अंधकार में शून्य में उस रहस्यमय व्यक्ति द्वारा की गई संसार की समीक्षाएं तैरने लगती हैं, जिन्हें कभी सहन नहीं कर सकता। उस व्यक्ति के महान विवेक और विक्षोभ को कवि अंधकार अंतराल के विषम परिस्थितियों में भी सहन नहीं कर पाता है। उस आकृति ने कवि के अंधकार छन्न मानस में सुनहरे भविष्य का जो द्वितीमय नक्शा खींचा है, उसे वह उपेक्षित नहीं कर सकता। अतएव अंत में कवि इस अडिग निश्चय पर पहुंच जाता है कि चाहे उसे कुछ भी और कितनी ही यातनाएं सहनी पड़े, वह उस आलोक पुरुष का साथ कदापि नहीं छोड़ सकता। पर्वत संधि के गह्वर पर टिप्पणी करते हुए एक आलोचक ने लिखा है कि इससे कवि का अभिप्राय समाज के शोषक और शोषित, शासक और शासित, धनी और निर्धन वर्ग के मध्य की गहरी खाई से है, जिससे कवि की बुद्धि बार बार भटक जाती है। वह यह नहीं समझ पाता कि इनके जीवन यापन स्तर में इतना विषम अंतर क्यों है। रस्सी का पुल काव्य नायक या कवि की विचार सरणी या विचार सूत्र को संकेतित करता है। अगला पद है दोस्तों, सुनी है राह अजीब है फैलाव, सर्द अंधेरा ढीली आंखों से देखते हैं विश्व उदास तारे। हर बार सोच और हर बार अफसोस, हर बार फिक्र के कारण बड़े हुए दर्द का मानो दूर वहां अंधियारा पीपल देता है पहरा। हवाओं की निसंग लहरों में कांपती, कुत्तों की दूर दूर अलग अलग आवाज टकराती रहती सियारों की ध्वनि से। कांपती हैं दूरियां, गूंजते हैं फासले, बाहर कोई नहीं बाहर,
इतने में अंधियारे सुने में कोई चीख गया है। रात का पक्षी कहता है, क्या कहता है? वह चला गया है, वह नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। अब तेरे द्वार पर वह निकल गया है, गांव में शहर में। उसको तू खोज, अब उसका तू शोध कर, वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति, उसका तो शिष्य है। यद्यपि पलातक, वह तेरी गुरु है, गुरु है। संदर्भ: कवि अपने अंधकार से पूर्ण हृदय कक्ष को खोलकर जब बाहर देखता है तो उसे अंधकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई देता है। उसकी इसी मनोदशा का वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में किया गया है। कवि कहता है कि हृदय कक्ष के बाहर सभी रास्ते सुनसान हैं, वहाँ एक अजीब फैलाव और सर्द अंधेरा है। ऐसा लगता है कि मानो तारागण उदास और शिथिल नेत्रों से संपूर्ण विश्व को देख रहे हों। हर बार की सोच, हर बार के अफसोस और हर बार की चिंता के कारण बढ़े हुए दर्द में से पीड़ित पीला पड़ा हुआ पीपल का वृक्ष मानो अत्यंत दूर पहरा देता हुआ सा लगता है। वायु की निस्संग तरंगों में कांपती हुई कुत्तों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो सियारों की आवाज़ों से निरंतर टकराती है। दूरियां कांपती हुई सी तथा फासले गूंजते हुए से प्रतीत होते हैं, किंतु बाहर कुछ भी नहीं है दिखाई देता है। किंतु इसी बीच उस शून्य गहन अंधकार में रात का पक्षी चीखते हुए स्पष्ट कहता है कि वह आगंतुक रहस्यमय व्यक्ति अब चला गया है, अब वह तेरे दरवाजे पर पुनः नहीं आएगा। वह किसी गांव अथवा शहर में चला गया है, अतः मुझे उसकी खोज करनी चाहिए, क्योंकि वही तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति है, अर्थात तेरी ही अंतरात्मा है। वह तेरा गुरु है, जबकि तू उसका पलायनवादी शिष्य है। अतः तू अपने पलायन भाव को त्याग दे और उसकी अस्मिता की खोज कर। विशेष: दृश्य श्रव्य बिंब योजना, दूर दूर अलग अलग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, संपूर्ण पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है। इन पंक्तियों पर टिप्पणी करते हुए एक आलोचक ने लिखा है कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर इन पंक्तियों का अभिव्यंगार्थ यह है कि जब कवि की अंतरात्मा या अस्मिता उसे उद्घोषित प्रेरित करने के लिए आती है, तब तो काव्य नायक अपनी छद्मवितरित दशा की अपनी दयनीय स्थिति की आड़ लेकर उसका आह्वान सुनने में विलंब कर देता है। अर्थात अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर भी अनसुनी कर देता है। इसके विपरीत जब वह निश्चय करता है कि मुझे अपनी अस्मिता के विवेक विक्षोभ में संदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए और वह उस ओर अग्रसर होना चाहता है, तब तक उसकी अंतरात्मा ही वह आवाज़ ही विलीन हो चुकी होती है। यह एक अनुभूत तथ्य है कि अंतरात्मा की ध्वनि विशेष अवसरों पर ही सुनाई दिया करती है। यदि हम उस समय ही तदनुकूल आचरण नहीं करते हैं, तो फिर चाहने पर भी हमें वह प्रेरणा पुनः कठिनता से ही मिल पाती है। तो दोस्तों, आज हमने 22 और 23 पद के विषय में पढ़ा, और अगले भाग में हम 24वां पद पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आशा है आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। जो जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।